Hello students, let us understand the following question. If alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to x square minus px plus q, then prove that alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square is equal to p to the power 4 upon q square minus 4p square upon q plus 2. So, let us see given information in this question. तो क्या दे रखा है एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू एंड अल्फा अपॉम बीटा आर जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स ओके एंड प्रूफ क्या करना है मैं टू प्रूव अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू पावर फोर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस में टू सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो एक्चुअली हमें यहाँ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसे लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स सॉरी दिस इज ऑनली पी एक्स है ना प्लस में क्यू ओके okay? इसके दो रूट हमें दे रखे हैं सॉरी दो जीरोज दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा तो यहां सम ऑफ जीरोज निकालेंगे हम समीरोज इजिकल टू क्या होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो इम्प्लाइज दीरोस बीटाजिक टू माइनस और माइनस पी और डीनोमिनेटर में कितनावल टू जाएगा पी ओके तो, okay. तो अब बात करनी हमें किसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो ये कितना होता है कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया क्यू और कोस स्क्स हो गया वन तो इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू ओके तो अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर तो इज इक्वल टू यहां पर हमने क्या करना है एलसीएम लेना तो okay? तो है तो एलसीएम क्या आ जाएगा देखिए अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ओके तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर से होगा तो अल्फा रेस टू पावर फोर प्लस यहां से क्या बीटा रेस्ट टू पावर फोर अब हमने क्या काम करना है इस अल्फा रेस्ट टू पावर फोर और बीटा रेस्ट टू पावर फोर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें वो वैल्यू दे रखी है है ना तो यहाँ पर यदि हम बात करें अल्फा रेस्ट टू दावर फोर और अल्फा रेस्ट पावर सॉरी बीटा रेस्ट पावर फोर की तो इसे लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में बीटा इसक्वायर का होल स्क्वायर और इम्प्लाई सॉरी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल uh, टू अब हम इसे लिख सकते हैं क्या देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर तो यहाँ एक्चुअली आइडेंटिटी यूज करी और कौन सी आइडेंटिटी यूज की उस, उस रेफरेंस में दे, दे देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी के तो हमने यहाँ से क्या किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में टू ए बी हो जाएगा और यहाँ पे ए के प्लेस पे हमने अल्फा स्क्वायर ले रखा था और बी के प्लेस पे हमने बीटा स्क्वायर ले रखा था तो इस तरीके से आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया क्या ये अभी भी हमारा जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में नहीं तो अगेन हमें क्या करना होगा इस इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही इसे लिखना होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना और माइनस में टू अल्फा इंटू बीटा बिकॉज आपके ए के प्लेस पे अल्फाइ सॉरी अल्फा हो चुका है एंड बी के प्लेस पे क्या हो चुका है बीटा हो चुका है तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने ऐसा लिख दिया इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को और ऊपर में क्या है टू की पावर तो लिखा है ही है ना एज इट इज माइनस अब यहां पे क्या हो जाएगा टू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर अब हमने क्या करना है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगेन तो इसको क्या कर सकते हैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा का कंप्लीटली होल स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर और जैसे ही यहाँ पे अल्फ़ा इन टू माइनस में टू अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर में डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर आएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे माइनस टू बचेगा अब हमने क्या करना है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख देनी जो कि पी है इट बिकम्स पी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू है तो इट बिकम्स टू क्यू है ना और एक इसका होल स्क्वायर हो जाएगा फिर और डिनोमिनेटर में कितना है अल्फा टू बीटा तो ये क्यू स्क्वायर हो गया माइनस में टू इज इक्वल टू अब देख पा रहे हैं यहाँ से हमने अगेन इसे ए मानना इसे बी माना तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो इट बिकम्स पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में टू क्यू का होल स्क्वायेर माइनस टू इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू और या, यहां पर क्या आ जाएगा टू क्यू आ जाएगा ना ओके इन टू में यहाँ पे चलिए ये दिस इज टू क्यू ओके अगेन यहाँ पे क्या करना हमें क्यू स्क्वायर माइनस में टू अब आइडेंटिटी कौन सी यूज करी मैंने यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी तो इज़ इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा पी टू दावर फोर अब प्लस में इट बिकम्स फोर क्यू स्क्वायर और यहाँ से भी कितना आ जाएगा माइनस में फोर पी स्क्वायर क्यू और डिनोमिनेटर में यहाँ कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर और यहाँ पे माइनस टू अब हमने क्या करना है अगेन जो क्यू स्क्वायर दिख रहा है डिनोमिनेटर में उसे सेपरेट आउट करना है ईच तो टर्म में यहाँ पे लटका देंगे इसे है ना तो पी टू दी पावर फोर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर है ना तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं माइनस टू तो देखें क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो चुका है एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया तो इम इजिक्वल टू अब यहाँ पे देखे, 4 square, देखें पी टू दावर फोर अपॉन में क्यू स्क्वायेर और देखिए ये यहाँ पर क्या आ माइनस में फोर पी स्क्वेयर अपॉन में क्यू और देखिए यहाँ जो प्लस फोर बचा था माइनस टू के साथ सब्ट्रैक्ट होकर के प्लस टू हो जाएगा और यही हमें प्रूफ करना था दिस इज आर एच एस तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जो एल एच एस है वो किसके इक्वल है आर एच एस के हैंस प्रूव्ड सो आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस सॉल्यूशन थैंक यू